Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बड़ी भाग भाग के इनके ऑर्डर बुक करवाता है, टिप शिप भी देते हैं या नहीं? ओ यार, जितने बड़े लोग हैं ना उतनी बड़ी टिप मिलती है। ये लोग तुम्हें अच्छे टिप की वजह से ही लगते हैं ना? वो खाली टिप की बात नहीं है यार, वो जो दूसरे कस्टमर होते हैं ना, वो ऑर्डर लेट होने पे बड़ा जलील करते हैं। वो आंटी बहुत समझदार हो रहे थे, बड़े प्यार से बात करती है। और तू जरा यार जल्दी बोल दे, बोल अर्जेंट का है यार। अच्छा चल, ये जाके अंदर दे दे। बाती जल्दी करा देना, अच्छा कराना। हाँ भाई हाँ, ये जाके अंदर दे दे तू बस। ये जो होटलों पे लोग काम करते हैं ना, वो अमूमन बाहर के ही होते हैं। है बड़ा प्यारा बच्चा है ना? ये टिक्का लो। ये टिक्का मुझे दे, मेहरबानी। ये उनका जिंगर, उसको दो बेटे। शाबाश। हेलो जी, ये सारा खाना आ गया जी। बेगम साहिबा, ये सारा खाना मैंने अपने आंखों के सामने बनवाया जी आपका। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो जी? डीजी खान जी। यहाँ कहाँ रहते हो? रहना कहाँ है जी बेगम साहिबा जी? यही दुकान बंद हो जाती है, यहीं सो जाता हूँ। अच्छा, घर नहीं है तुम्हारा? नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई? बेगम साहिबा, मेरा कोई नहीं है जी आगे पीछे रोने वाला। बस कर जा, मुझे सारी कहानी आगे पूछनी है। तू चुप कर बेटा। क्या नाम है तुम्हारा जी? सबजल जी। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे सबजल? बेगम साहिबा जी, वो मेरे दोस्त के अब्बा थे ना, वो यहाँ काम करते थे, वो मुझे यहाँ लेके आए थे। तो वो कहाँ चला गया जी? वो तो वापस चला गया जी, उसके बेटे को गोली लगी थी जी, वो फिर वापस ही नहीं आया। कितना अर्सा हो गया तुम्हें यहाँ पे रहते हुए जी? अब मुझे याद तो नहीं है कितना अर्सा हो गया जी, लेकिन दो सर्दियां मैं गुजार चुका हूँ। मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ जी? हाँ हाँ, ले ले जल्दी आ। तुम्हें तो बस कोई कहानी चाहिए। हाय हाय, वो कहानी सुना रहा था, बेचारा अकेला है। अम्मा प्लीज रहम खाना छोड़ दें, वो बेचारा नहीं है, बड़े पक्के होते हैं। अरे पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है, हर आदमी तुम लोगों को खराब ही लगता है। हमारे साथ भी ना सब्जी मंडी में एक ऐसा ही लड़का था, उस साथ वाली दुकान। बस बस बस, आप तो रह नहीं दें, आपके पास बुरी मिसालों के सिवा कुछ नहीं होता। अच्छा खा, खाना खा, लिया भी लिया लिया। वो बेटा मुझे दो डाइट वाली, मुझे दे दो, वो दे दो। सर जी, आप लोगों को कुछ और चाहिए जी? हाँ हाँ बेटा, बता देंगे। नहीं बेटा, हम बताते हैं, कुछ चाहिए होगा हम बताएंगे, जाओ। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया था सुबह? उठा उठा के मैं थक गई, तूने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था क्या? अम्मा आज मूड नहीं हुआ। आज क्या पकाई वैसे आप? मैं दोपहर के लिए तो बना रही हूँ दाल चावल, और रात के लिए तू बता दे क्या पकाऊँ। रात के लिए दाल चावल पकाए, अभी के लिए कुछ बाहर से मंगवा लेते। चल ठीक है, ऐसा कर लेते। अच्छा अब तू जल्दी से जाके मुँह हाथ धो के आ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना। ठीक है। अच्छा अम्मा, वो दर्जी से कपड़े भी उठवाने थे। अरे हाँ, ये तूने मुझे अच्छा याद कराया। अभी मैं खाना लेने के लिए जाऊंगी ना, तो दर्जी से कपड़े भी ले आऊंगी। चलें ठीक है, अब जल्दी आ जाना, 10 घंटे नहीं लगा देना। सुनो, क्या कर रहे हो? ये थोड़ा हिसाब किताब कर रहा हूँ। ओहो छोड़ो ना इसे, मेरे साथ जरा बाजार चलो। क्यों भाई? खाने पीने के लिए कुछ ले आएंगे और दर्जी से कपड़े भी लाने। तुमने खाना नहीं बनाया? मैं तो बना रही थी, तहमीना ने मना कर दिया।
चलो कोई बात नहीं, तुम अर्शद के साथ चली जाओ। ना बाबा ना, मैंने नहीं जाना उसके साथ, इतनी तेज गाड़ी चलाता है वो। 3 बार तुमने भुला दिया मुझे हिसाब किताब, तंग ना किया करो, जाओ उसके साथ चली जाओ। ओहो क्या हो गया है, ये छोड़ नहीं सकते, बाद में आके कर लेना हिसाब किताब, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, चलो ना मेरे साथ। उफ मेरे खुदाया, बहुत तंग करती हो तुम, बहुत तंग करती हो। चलो आओ। चलो अच्छा। बेटा उन लोगों ने तुझे इतना मारा है, फिर भी तू उनके पास वापस जा रहा है। बेगम साहब जी, मैं और किधर जाऊं जी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है रहने का जी। मगर ऐसा तो नहीं कि वो फिर तुझे मारे? नहीं जी नहीं, ऐसा तो जी होता ही रहता है, कभी मैं बड़ा पिटा हूं, कभी मैंने उनको बड़ी छतरौल की है जी। ओए बात सुन, इन्होंने कल परसों फिर रल मिल जाना, वहीं इकट्ठे होंगे ये सारे। ओहो तुम हर बात में जरूर बोला कर। बेगम साहब जी, साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये जितने लड़के हैं ना जी, ये बाहर से आए हैं जी इधर काम करने, वो आज मालिक नहीं आया, कल मालिक आ जाएगा ना, ये सारा मामला सीधा कर देगा जी। और बस हो गई तेरी तसल्ली। अच्छा बेटे आराम से उतरना, शाबाश। चल मेरा बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, कोई ऑर्डर शॉर्डर है तो बताएं, मैं लगवा दूं जी। हाँ ऐसा कर, 4 अफगानी टिक्के हरे मसाले के जी, और 4 रोगनी नान ले लें, ठीक है, 2 सादे भी ले लें, सादे भी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं यार नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, कोई शुक्रिया, मैं लगाता हूँ जी। हाँ भाई हम दर्द है पाकिस्तान है, अब बता। बस तुम कर लो तंज, तुम्हारे हाथ तो मेरी कोई बात लगनी चाहिए, वो मुझे क्या पता था उसके मामलात का। और जब ना पता हो ना, तो मेरे जैसा सयाना बंदा समझा रहा हो तो समझ आया कर। अच्छा ना अब बस कर दो। और तेरा भला हो जाए, ये क्या कर रही हो, और सारा हिसाब किताब मेरा उल्टा करके रख दिया तुमने। है क्या कर दिया मैंने, सारा कुछ इधर ही पड़ा होगा ना, सीधा कर लो, ठीक कर लो, ये लो। इधर मेरे वाल देख, ऐसा कौन सा मसला है जिसने तुझे इतना परेशान किया हुआ? मैं ना सबजल के बारे में सोच रही थी। मुझे पता था कि तेरा दिल और दिमाग उसी तरफ लगे हुए हैं। जा मैं नहीं बताती। अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बता क्या सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि सबजल की मजबूरी ना होती, या उसका कोई और ठिकाना होता ना, तो वो कभी वापस ना जाता। ओए उसका ठिकाना होता ना होता, इससे तेरा क्या तअल्लुक है? मेरा दिल करता है कि मैं सबजल को अपना बेटा बना लूं। और तू पागल तो नहीं हो गई? ले इसमें पागल होने वाली क्या बात है, तूने कभी सबजल को गौर से देखा है? बिल्कुल असीज जैसा लगता है। अगर असीज हमारा बेटा जिंदा होता ना, तो आज सबजल जितना ही बड़ा होता। ओए अल्लाह की बंदी है, और तू उसे अपना पुत्र बनाने चल पड़ी है, वो तो जैसे तैयार बैठा होगा तेरा पुत्र बनने के लिए। उस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, कोई ठिकाना नहीं है उसका, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई है। उसको हम अपना बेटा बना लेंगे ना, तो उसको सब मिल जाएगा, माँ बहन भाई रहने का ठिकाना, तो फिर भला वो क्यों नहीं हमारा बेटा बनेगा? देख भी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा कर तू बच्चों से बात कर। क्या हो गया अम्मा आपको? क्या हो गया का क्या मतलब है, ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाई इसके कहने के मुताबिक इसको वो हमारे अजीज जैसा लगता है। अजीज की तरह लगता है ना, अजीज तो नहीं है ना,
ये कैसे मुमकिन है अम्मा? हर राह चलता जो अजीज में मिलता होगा आप उसे उठा के घर लेके आ जाएंगे। यही बात इसकी समझ में नहीं आ रही। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ? क्या मसला है? उसे रहना तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही है ना, और अच्छा है, इसी बहाने मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। तुम तो चुप करके बैठो, तमीज से बात करो जरा। तो कोई अकल की बात कर लो, खाली बात करने के लिए मुंह ना खोलो। पागल वो तेरे साथ तेरे कमरे में बंद होकर थोड़ी ना बैठेगा। ले भला उस बेचारे के पास वक्त ही कितना होगा भाई, दोपहर को वो घर से जाएगा और रात को होटल बंद होने के बाद वो वापस आएगा। सुबह जब तुम लोग कॉलेज चले जाओगे तब वो सोकर उठेगा, और जब रात को वो वापस आएगा तुम सारे सो चुके होगे। लो भी बच्चे हो, ये नहीं मानेगी। तुम लोगों को तो अपनी माँ की आदत का पता है ना, ये जो दिल में ठान लेती है ना बस फिर करके छोड़ती है। ये बस उड़ाना शुरू कर दिया ना आपने फिर मेरा मजाक। और चलिए, तेरा मजाक नहीं उड़ाया, वो तेरी आदत बता रहा हूँ। बस कोई जरूरत नहीं है मेरी आदत वादत बताने की। अब जा कहाँ रही हो, यहाँ बात हो रही है? जहन्नुम में जा रही हूँ, कोई बात बात नहीं करनी मुझे तुम लोगों से। अम्मा पीछे हट। और साबरा बात तो सुन, साबरा। ये बात तो गलत है अम्मा की। ओए हमें जरा जज्बाती हो रही है, तुम लोग जानते हो वो कितनी जिद्दी है। तो क्या करें, वो जो कह रही है वो मान लें। हाँ भाई, आफियत सबकी इसी में है कि उसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना बहुत अरसे तक वो मुंह फुला के ना घर का माहौल खराब करती रहेगी। ओए साबरा, ओए बात सुन, इधर आ। छोड़ो मेरा हाथ। ओ को इंसान की बच्ची बन। इंसान की बच्ची हूँ? चल फिर सीधी होकर खड़ी हो जा। तो सीधी तो खड़ी हूँ, और कैसे खड़ी हूँ? ओए मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा था, बच्चे तुम्हें लेने आए तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। मैंने नहीं बात करनी किसी से। ओए बात नहीं करनी तो ना कर, खाना तो लगा, बच्चे भी भूखे हैं, मुझे भी भूख लगी हुई है। मैंने नहीं खाना खाना, जिसे भूख लगी है ना वो खुद खा ले। ओको अकल को हाथ मार, तू तीन बच्चों की माँ है, वो भी जवान बच्चों की, अब ये अपनी हरकतें छोड़ दे। क्या हरकतें कर रही हूँ मैं? कौन सी हरकतें छोड़ दूँ? ये जिदबाजी और रूठना। मैं नहीं रूठी किसी से। और तुमने वो जो कुप्पे जैसा मुंह सुझाया हुआ था, अब तुम कह रही हो मैं किसी से नाराज ही नहीं हूँ। अम्मा आप प्लीज मान जाइए ना, आपको पता है अब्बा ने भी सबको मना लिया, आप सब जल्द से बात करके उसे इस घर में ले आइए। चल हट, पागल ना बना मुझे। और ये तुझे पागल नहीं बना रहा, ये भी ठीक कह रहा है, मैं भी ठीक कह रहा हूँ। हाँ माँ बुला रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सच? देखो देखो कैसी मुस्कुराहट आई है अपनी जिद मनवा के, और जब ये रूठी हुई थी ना तो बिल्कुल बगड़ बिल्ला लग रही थी। अपना मुंह देखा है कभी? हाँ ये स्मार्ट बिल्ला। अम्मा अब बहुत भूख लगी है, पहले हम कुछ खा लेते हैं फिर बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मेरी बच्ची बेहोश होने वाली है, और कुछ करो खाने खुने का। आप लोग बैठे, हम लोग खाना लगाते हैं। चलो आओ आओ, हम बैठते हैं। जल्दी ले आओ बेटा, जल्दी ले आओ। कसम से अम्मा भी ना 2 साल का बच्चा है, खाना लगा दे नहीं तो फिर नाराज हो जाएंगे। चलो आजा बेटा, आराम से आराम से। शाबाश शाबाश। बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से। क्या हुआ अम्मा इसको? तबीयत खराब है, बीमार है। तू ऐसा कर जल्दी से जाके ना चाय बना ले और 2 टोस्ट भी बना लेना साथ। जाना खड़ी क्यों है? जा शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी कर। आ बेटा तुझे वहां बिठाती हूँ। अच्छा शाबाश। सबसल जी बेगम सर। अरे बैठे रहो बैठे रहो, उठो नहीं। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेगम साहब जी मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अच्छा बेटा ऐसा करो जल्दी से मुँह हाथ धो के आ जाओ, नाश्ता करते हैं। अच्छा बेगम साहब जी, बेगम साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे शुक्रिया किस बात का? जी आप मुझे यहाँ लेकर आए जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, खुदा की कसम जी। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा बेटा दे दिया, एहसान किस बात का है। चलो जल्दी से आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी बेगम साहब जी मैं, बस देर नहीं लगाओ जल्दी आना जी। सबजल जी अम्मी जी। बेटा सारा नाश्ता ठंडा हो गया, तूने किया नहीं, क्या बात है, किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं अम्मी जी, बस जी मैं अपना पिछला वक्त सोच रहा था जी, कहाँ था अम्मी जी मैं, कहाँ से कहाँ आ गया। अरे पागल,
ऐसे थोड़े ही कहते हैं। ये सब अल्लाह के काम है बेटा, तुझे यहाँ पहुँचना था, मेरा बेटा बनना था, बन गया। अम्मी जी आप लोग नहीं होते तो मैं कहाँ होता जी। अरे बेटा ये सब तय था, तुझे कोई घर मिलना था, हम ना होते तो कोई और होता, ये सब नसीब के खेल हैं। आप ठीक कह रही हैं अम्मी जी। ज्यादा ना सोचा कर, चल यहाँ बैठ, मैं तेरा नाश्ता गर्म करके लेकर आती हूँ। अम्मी जी आपसे एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं बेटा पूछ, क्या बात है? ये तमीम की शादी इतनी जल्दी में क्यों करवा रहे हैं आप? अरे बेटा उसकी सास बहुत बीमार है, वो चाहती है कि अपनी जिंदगी में ना अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखे। साबरा जी आई। ओए ये ले साड़ियाँ, तहमीन को दिखा देना। अच्छा जी। ओए ठहर के देख ले, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना के ले आ। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा, वैसे तू आज बड़ी जल्दी नहीं आ गया। ओ जी मैं उनसे ना लड़कर आ गया हूँ, मेरी बहन की शादी है। हाय हाय मैं मर गई, नौकरी तो नहीं छोड़ा है कहीं? ओ, नहीं नहीं अम्मी जी नौकरी नहीं छोड़ा, बस मैं छुट्टी लेके आया। अच्छा चल जा अपने अब्बू के पास बैठ, उनके सिर में दर्द हो रही है, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा जी अब्बू के सिर में दर्द हो रही? अब्बू जी जी आपकी तबीयत खराब है? ओ नहीं पुत्र हमें सर में दर्द है हल्का सा। अबू जी कोई परेशानी है ना तो आप मुझको बता सकते हैं? ओ नहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं पुत्र। ओहो ये नहीं बताएंगे, असल में परेशानी पैसों की है। ओहो मुझे बताने दो ना, जिस आदमी के साथ इन्होंने ठेका किया हुआ था ना वो ऐन वक्त पे पैसे देने से मुकर गए। अच्छा जी तो ये मसला है, तो ठीक है कोई गल नहीं। अम्मी जी आपके पास मेरे कितने पैसे जमा हैं? पता नहीं बेटा कभी गिने नहीं। अम्मी जी जितने भी पैसे हैं ना वो आप अब्बू जी को दे दें। और नहीं हो पुत्र रहने दे। अब्बू जी कमाल करते हैं आप, पुत्र भी कह रहे हो नहीं नहीं भी कह रहे हो, तो ठीक है पैसे ले लो आप, और जब आपको ठेकेदार वापस करे तो वापस कर देना मुझको। चलो जी मसला हो गया हल। ओहो अब ये सिर पे से हाथ हटाओ ना नौसत होती है। और जा जाके गोली लेके आ, ज्यादा बातें ना बनाया कर, कभी कभी तो जहर लगती है मुझे। लो भला मैंने क्या बातें बनाई, कोई बातें बनाई है मैंने, क्या कहा है मैंने? अम्मी जी अब्बू जी के सर में बहुत दर्द है ना, आप जाके गोली शोली ले आओ हैं जी। ओ कोई दर्द नहीं है इनके सिर में, मुझे अच्छी तरह पता है, असल में इनका ना मेरे से लड़ने का दिल कर रहा है। अम्मी जी खुदा का वास्ता जी आप जाके दवाई ले। चलो ठीक है लाती हूँ। एक बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तहमीन अपने घर की हो। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। जय एक कप चाय बना के लिया, सिर में बड़ी सख्त दर्द है। हे अल्लाह बरात वलीमा सब खैर खैरियत से हो गया तो फिर आप सिर में दर्द क्यों है? वो एक गर्मी थोड़ी थी, ऊपर से मुझे तुमने शेरवानी पहना दी। पता भी है कितने प्यारे लगते हो शेरवानी पहन के आए, बिल्कुल शहजादों जैसे। और तहमीन की सास देखी थी वो कितनी खुश थी। वो खुश क्यों ना हो, हमने को कसर छोड़ी है। ये बात तो है, जहेज तो एक तरफ है पर जो सबजल ने गाड़ी दिया ना उसने तो हमारी बड़ी टॉर बना दी। जा जाके चा के कप बना के लिया। अबू जी तो मान जाएंगे यार, मगर मुझे लगता है आप शीन नहीं मानेगी यार। क्या? अम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, वो सबको मनाने की पूरी कोशिश करेंगी, और अगर अफशीन नहीं मानी ना। और अगर वो नहीं मानी तो? नहीं मानी तो पता नहीं यार, देख क्या होता है। अम्मी जी पूरी कोशिश करेंगी, मुझे पता है यार वो मुझे बड़ा प्यार करती हैं, वो मना लेंगी सब। क्या बात कर रही हो साबरा, माना के देखा भाला है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी। जब देखा भाला है कोई बुराई नहीं है तो फिर क्या हर्ज है? शादी तो करनी है ना अफशीन की, तो फिर सबजल से क्यों नहीं? तो उसका अपना कारोबार भी है, ठीक कमाता है, और फिर इस तरह अफशीन हमारे पास रहेगी। फर्क तालीम का है साबरा,
हमारी अफशीन कंप्यूटर में मास्टर्स कर रही है और वो कोरा चिट्टा अनपढ़। ओहो, तालीम से रफाकतें नहीं बनती। अब अपने आप को और मुझे देख लो, तुम तो हो बीए पास और मैं चिट्टी अनपढ़। अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर मर्द बीवी से कम पढ़ा लिखा हो तो बहुत सारे मसले पैदा होते। ओहो, बस साबरा बस, इस बात को अपनी जिद ना बना लेना। ये अफशीन की जिंदगी का मामला है, बेहतर है उसे फैसला करने दो। वो भला क्या फैसला करे, है? वो तो अभी खुद बच्ची है। वो बच्ची नहीं है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। और देख साबरा, इस मामले में मैं भी तेरी मदद नहीं करूँगा। ये क्या बात है, सफजल ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे हर मसले को अपना मसला समझा। याद है ना जब तुम्हें कारोबार में घाटा हुआ था, है? उस वक्त सफजल ना होता तो क्या होता? अरशद की ओ लेवल की फीस, तहमीन की शादी, अफशीन के मसले, कितने एहसानात है उसके हमारे ऊपर, सब भूल गए हो तुम। उसने जो कुछ हमें दिया या दिया था, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसे वापस लौटा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया था कि उसकी नजर अफशीन पर थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम एजाज, तुमने सफजल की ऐसी क्या हरकत देख ली जो उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, है? बड़ा अफसोस हुआ। तुम मानो या ना मानो, मगर मैं उसका एहसान मानती हूँ। किस एहसान की बात कर रही हो, एहसान तो हमने उस पे किया है। उस राह चलते को घर दिया, ठिकाना दिया, इज्जत दी। हम अगर उसे अपने घर में लेके ना आते तो पड़ा होता किसी दुकान के थड़े पर और कर रहा होता अपनी 2% की नौकरी। बस कर दो एजाज साहब, बड़े बोलना निकालो मुझसे। कोई बंदा किसी की वजह से नहीं होता, हर कोई अपने नसीब का खाता है। लेकिन मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ, फिर भी मैं अफशीन से पूछ लूंगा तेरी तसल्ली के लिए। लेकिन मुझे पता है वो हाँ कभी नहीं करेगी। और अगर फर्ज करो अफशीन मान जाती है फिर? हाँ तो फिर मैं सोचूंगा। फिर भी सोचोगे? और दिमाग ना खराब कर, जा जाके पानी का ग्लास लेके आ। अच्छा ठीक है, ले आती हूँ। जी पानी पिला दें जी। पानी पिलाता हूँ अभी। पानी दे रहे जी, पानी पानी दे रहा हूँ। कादिम हुसैन सर, पानी पिलाओ से। ओके सर। फिर क्या हुआ? फिर जी मैंने अम्मी से कहा जी अफशीन से बात करें जी मेरी शादी की। अच्छा, मतलब तूने अम्मी जी से कहा कि वो तेरे लिए अफशीन से बात करें? हाँ जी। क्या जवाब मिला? जी उसने इनकार कर दी। क्यों? बाजी उसने मुझसे शादी नहीं करनी थी बाजी, फिर मेरा जो कहना दिल बहुत बुरा हुआ जी। फिर मैंने अम्मी जी का घर छोड़ दिया, फिर मैंने अपना दूसरा घर ले लिया, मैं वहीं रहना शुरू हो गया। जब मैं उनके बगैर रहा ना जी, मुझे ख्याल आया कि मैं फिर इनके बगैर नहीं रह सकता। फिर बहाने बहाने से ना अम्मी जी से मिलने जाता था, इस बहाने में शीन को भी देख लेता था जी। अच्छा, हाँ जी। फिर आगे? फिर जी पानी पिला दो सर जी। पिला दो आगे। फिर जी क्या, आगे बोल, वरना ये लोग तेरा पूरा चेक करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। बोल। मैं उससे प्यार करता था जी, उसकी बहुत सी दोस्तियाँ होनी शुरू हो गई थी जी, बड़े बड़े लोगों से, लोगों में लड़के भी शामिल थे, बड़े परपजे निकल आए थे जी उसके, दिल कुड़ता था जी, गुस्सा आता था मुझे। अच्छा, तुझे लड़की पर गुस्सा आता था जबकि तू उससे मोहब्बत करने का दावा करता है? प्यार करता था जी, तभी तो गुस्सा आता था। फिर मुझे एक दिन पता चला जी कि वो दुबई जा रही है, उसकी दुबई में नौकरी हो गई है। और ये बात तुझे किसने बताई? तेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। सर जी पानी पिला, पानी पिला जी, पानी पिलाऊंगा।
बता के दोगे? सर जी मुझे अम्मी जी बता दीजिए, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैंने फिर आखिरी कोशिश की थी, मैंने अम्मी जी से कहा कि एक बार मैंने मशीन से बात कर ली अकेले में, उन्होंने कहा ठीक है तू बात कर ले, उन्होंने मुझे मौका दिया जी। फिर जी मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा जी, आप मुझसे शादी कर लेंगे। मैं आपके बगैर ना मैं मर जाऊंगा जी। तू मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा तो ना कहें जी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा जी, मैं बहुत खुश रखूंगा जी, आप बस मुझसे शादी कर लें। शादी? और तुमसे? शक्ल देखिए तुमने अपनी, बड़ा है मुझसे शादी करने वाला। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, गेट आउट। और तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में जाने की? मेरे घर में दाखिल कैसे हुआ तू? बुजी लदी कैसे? मैं तो सिर्फ उससे बात करने के आया था जी, तो आप उससे पूछ ले, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी। लदी कैसे? मर जाएगा, कुत्ते की जिंदगी गुजार रहा था, इसे मर ही जाना चाहिए। अब मेरी बीवी ने उठा के इसे अपने घर में रखा, इसे अपने घर का फर्ज समझा और इसने मेरी ही बेटी पर गलत नजर डाली। साहब इसने बुरा क्या किया था? रिश्ता ही तो मांगा था इसने। रिश्ता मांगने से पहले इसने अपनी औकात क्यों नहीं देखी? और मेरी बच्ची ने इनकार कर दिया था, ये फिर भी क्या? अब वहां नजर आया ना, अब उस इलाके में नजर आया, गोली मार दूंगा तुम्हें। छोड़े साहब, गोली मार दूंगा तुम्हें। अरे पीछे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें जिंदा। फिर क्या कहते जी? मैं क्या करता जी, फिर वो दुबई चली गई जी, मुझे पता चला, मुझे छोड़कर यहाँ जलता छोड़कर चली गई। तूने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तेरा उससे ताल्लुक खत्म हो गया था, फिर तुझे किसने बताया? जी मुझे अम्मी जी ने बताया। ओ मतलब उसकी माँ तेरे से रिश्ते में थी? हाँ जी, वो जी मुझे बड़ा प्यार करती थी जी, उसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जी, उसने मेरा हमेशा साथ दिया जी। वही मुझे बताती थी कि जी घर में क्या हो रहा है,
उसने अब्बू जी से भी मेरा जिक्र किया था जी, अब्बू जी ने भी उसको भी मारा था, बहुत मारा था। अच्छा, शाबाश, आगे बोलो क्या हुआ। फिर जी अम्मी जी ने मुझे बताया कि अफशीन जी कराची वापस आ रही है। फिर उस दिन से रेगी कत्ल वाले दिन तक जी मैं चैन से सो नहीं पाया। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेना था जी उसके बाप से और उससे। मैंने जी अपनी मनसूबा बंदी शुरू कर दी थी। मनसूबा? क्या मनसूबा बंदी की तुम? मैंने जी अम्मी जी से बात की कि मैं घर वालों से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं अफशीन से माफी मांगना चाहता हूँ जी। वो मान गए जी। वाकई अच्छा मोहरा पकड़ा तुमने। आप जी पानी पिला दो। पानी? पिला दो। आके बोल। फिर जी अम्मी ने किसी ना किसी तरह घर वालों को राजी कर लिया और मुझे घर आने की इजाजत दिलवा दी। ये क्या? अम्मी जी ये मिठाई है। मिठाई? किस खुशी में? ये आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना जी, इस खुशी में लाया हूँ। ओए अच्छा किया तो मिठाई लेके आ गया, मेरा मिठाई को बहुत ही दिल चाह रहा। ये ले अम्मी जी आप खाएं। नहीं अब्बू जी, मैं ना आज अपने हाथ से सबको मिठाई खिलाऊंगा जी। खुद खा लूंगी। आपने मुझे माफ नहीं किया ना जी? हाँ कर दिया। दिल से कर दिया जी? हाँ हाँ दिल से माफ किया। तो फिर मैं अपने हाथ से आपको मिठाई खिलाऊंगी जी, हैं? खा खा ले। तू भी तो मिठाई खा, बल्कि ठहर जा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूं। नहीं नहीं अम्मी जी आप बैठे जी, मैंने तो अपने हाथ से आज सबको मिठाई खिलाई है ना जी, फिर अपने हाथ से ही मैं खुद खा लूंगा जी। आफ्टर ऑल आज मैं बहुत खुश हूं ना जी। अच्छा सबसे पहले ये बताइए आपने शेव क्यों बढ़ाई है? एक काम फंसा हुआ है ना, पूरा हो जाए तो शेव बनवा लूंगा। तो यूं बोलो ना दाढ़ी रखी हुई है। बस मन्नत पूरे होते ही ना कटवा लूंगा दाढ़ी। साहब जी मैंने मिठाई में जहर मिला दिया था जी, उससे इंसान बेहोश तो नहीं होता जी लेकिन होश में भी नहीं रहता, जहन सुन होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगती है जी, और अगर जाग जाए अगर हाथ पैर नहीं चला सकता। लेकिन मिठाई तो तुमने भी खाई थी, उसका असर तुम पे क्यों नहीं? सर जी मुझे पता था कि जी किस मिठाई में जहर मिला होगा,
और वैसे भी मिठाई तो मैंने अपने हाथ से सबको खिलाई थी। फिर जी उन सबको आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगी, सब जाके सो गए। मैंने उसके बाद जी एक एक करके सबको कत्ल करना शुरू किया जी। तेरी माँ ने तेरा बड़ा साथ दिया, तेरे खाते मार खाई, तूने उसे भी कत्ल कर दिया, कितना बेहिस इंसान है तू। साहब जी मैं उसको नहीं मारना चाहता था जी, मगर क्या मगर जी जिस वक्त मैं ना शीन के ऊपर ज्यादती कर रहा था ना, उस वक्त उसकी आंख खुल गई थी, हाथ पैर नहीं चला रही थी वो, मगर वो चीखने की कोशिश कर रही थी। फिर जी मुझे गुस्सा आ गया जी, गुस्सा आ गया जी, फिर मैंने उसको ज़बा कर दिया, उसको भी ज़बा कर दिया जी मैंने। तुझे पता है कि तू पकड़ा कैसे गया? हाँ जी मुझे पता है, जब मैं घर आ रहा था ना खाना लेके जी और मिठाई लेके, तो मेरी बराबर वाली आंटी मुझको मिली थी। एक गली मोहल्ले का चक्कर ही होता है, जो आता है ना लोग उस पर नज़र रखते हैं। वो आंटी को ना मेरे और अफशीन के बारे में शादी की जिद का पता था, तो मैं बड़ा एक इज्जती आदमी हूँ। वो ना हमारी अम्मी जान का भी उनके आना जाना था जी। जब मैं सुबह 6 बजे अपनी गाड़ी लेके निकला, उन्होंने देख लिया होगा क्योंकि वो नमाज पढ़ने आती हैं, नमाज पढ़ के सुबह बैल्कनी में रोजाना खड़ी होती, रूटीन थी जी उनकी, उन्होंने आपको बताया होगा है ना जी। अजीब आदमी हो, तुझे पता था, तुझे पता था कि तू पकड़ा जाएगा, फिर भी तूने उन मासूम बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया। सर जी मैं कत्ल कैसे नहीं करता जी, है वो जब वो मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और की उसको कैसे होने देता जी, नहीं ना। कितना बेगैरत इंसान है तू, अपनी ख्वाहिश के पीछे तूने 4 इंसानों का कत्ल कर दिया, तुझे कोई पछतावा नहीं है। हाँ जी जिसको जिंदगी की ख्वाहिश हो ना उसको पछतावा होता है। मैं तो जी उसी दिन मर गया था जिस दिन अफशीन ने मुझसे शादी करने से इनकार किया था, मेरी तो रूह उसी दिन निकल गई थी जी। इस वक्त जो शब्दल तेरे सामने खड़ा है ना जी, इसमें रूह नहीं है, खाली जिस्म है, जिस्म चलाना है ना फांसी पे, चला दे 100 बारी चला दे तू। मुझे कोई पछतावा नहीं है सर जी। काश अगर मेरे पास पावर होती तुझे अभी इसी वक्त गोली मार देता, क्योंकि एहसान फरामोश को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। सर जी पानी तो पिला दो। यार बेगुनाह इंसानों को कत्ल करके फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझी, लानत है तुझ पर। पानी पिला उसे।
किसी